हैं कि जोनाथन स्विफ्ट कौन था। गलती से मैंने दूसरी स्लाइड आपको पहले पढ़ा दी, मैंने पहले ये वाली पढ़ानी थी, खुद वो पहले की। खैर चलते हैं इसी की तरफ। गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है उसके बारे में, पहले हम स्विफ्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे थे लेकिन गलती से वो स्लाइड पहले खुल गई। चले आप इधर से स्टार्ट करते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स 1726 के बारे में बेटा आप बहुत पढ़ेंगे प्रोज में। एक आयरिश राइटर जो है वो स्विफ्ट है, उसके बाद जो दूसरा आयरिश राइटर है वो आप पढ़ेंगे सीमस हीनी। तो ये जो आयरिश पोइट्स और राइटर्स हैं इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज देखे, बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए अंदरूनी खाना जंगी इन लोगों ने बहुत ज्यादा फेस की है। दैट्स वाई ये लोग, अगर आप किसी भी आयरिश राइटर के बारे में पढ़ें, चाहे वो डब्ल्यू बी हीट्स है, स्विफ्ट है, या आप बेशक सीमस हीनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ये हमेशा पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कोई ना कोई कहानी लिखते हैं। पोइट्री भी इनकी ऐसी ही होती है, तो वहां भी आपको इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर नजर आएगा। और उसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिर्फ ओनली ये जो प्रोज के अंदर आप पढ़ेंगे, सिर्फ गुलिवर्स ट्रेवल्स ही एक स्टोरी है, बाकी आप तीन किताबें जो पढ़ेंगे वो जस्ट एसेज हैं, ठीक है, वो एसेज हैं। और एसेज जो हैं उनको उनसे अक्सर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। तो प्रोज में जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्ट का बायस बनती है, क्योंकि एक स्टोरी लाइक होती है, ठीक है। और इसी के अंदर वो आपको, और ये स्विफ्ट का कमाल है कि उसने एक स्टोरी के जरिए आपको प्रोज में, एक स्टोरी के जरिए आपको वो सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो दिखाए हैं। आयरिश राइटर था, क्लर्जीमैन था, जोनाथन स्विफ्ट इज बोथ अ सटायर ऑन ह्यूमन नेचर एंड पैरोडी ऑफ द ट्रैवलर टेल्स लिटरेरी सब जॉनर, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट जो है उसने सटायर की ऑन ह्यूमन नेचर और उसने पैरोडी की और ट्रेवल ट्रेल्स की, ठीक है। उन दिनों कहानी, समुद्री कहानियां बहुत ज्यादा लिखी जाती थी। जब हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि लोग जो है समुद्री सफर किया करते थे, क्योंकि समंदर का सफर बहुत ज्यादा लंबा होता था, जहाज या रोड्स तो थे नहीं, तो डिफरेंट डिस्कवरीज हो रही थी उस दौर में। तो लोग जो है वो ट्रेवलिंग किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और फिर वो उस दौरान कुछ कहानियां सुनाते थे। Cave Hill is the Belfast is thought to be the inspiration of the novel. Swift imagined that the mountain resembled the shape of sleeping giant safeguarding the city. वो जो Cave Hill थी Belfast में, वो actually inspiration थी इसकी Swift की Belfast Cave Hill in Belfast, क्योंकि वो एक ऐसा माउंटेन था, केविल एक ऐसी माउंटेन थी जिसमें एक स्लीपिंग जायंट को दिखाया गया था, शेप ऑफ अ स्लीपिंग जायंट। वो जो केविल थी इन बेलफास्ट वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे एक शेप ऑफ अ स्लीपिंग जायंट हो, सेफ गार्डिंग द सिटी, जो कि सिटी को बचाता है। तो वहां से उसने लिलीपुटियंस की कहानी जो है वो शुरू की थी। ऑथर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो पैदा हुआ, born on 30th November 1667, Dublin, Ireland. Died 19th October 1745, age 77. Dublin, Ireland. Pen name M.B. Drapier. Lemuel Gulliver इसका नाम था, Lemuel Gulliver जो है वो इसका character था। इसाग Bickerstaff, occupation satirist, essayist, political pamphleteer, poet, priest, language English, nationality Irish, Alma Mater Trinity College, Dublin, Nottingham. Language उसकी जो थी वो English nationality और Irish Alma Mater, ठीक है। Irish poet था लेकिन उसकी national वो जो है उसकी mostly जो उसने जितनी भी कहानियां लिखी उसकी अपनी language जो थी वो English थी, nationality उसकी Irish थी। A modest proposal. अच्छा sorry, ये तो खैर उसने जो किताबें लिखी थी ये वो उसकी बारे में है कि उसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। तो उसने फिर डब्लिन नोटेबल वर्क्स, डब्लिन के जो उसके नोटेबल वर्क्स थे वो गुलिवर्स ट्रेवल्स था। अ मॉडस्ट प्रपोजल, ये भी उसने किताब लिखी थी। टेल ऑफ टम, ड्रेपियर्स लेटर्स, ये भी उसने कुछ लेटर्स लिखे थे। नैरेटर और सिंबलिज्म, गुलिवर इज द नैरेटर एंड इट इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता? आई, मैं, जो मौजूद होता है।
symbol, the Yahoo symbolize human for what we truly are. Symbol two, the way. मैंने आपको बताया था एंड में वो याहूज मैंने आपको बताया था अभी कहानी जब मैं आपको सुना रही थी उसका एक फोर्थ वॉयज होगा जिसमें वो ह्यूमन याहूज एक्चुअली ह्यूमन को सिंबलाइज कर रहे थे जो कि हम खुद हैं और वो मैंने आपको बताया था कि घोड़ों की दुनिया में चला जाता है और वहां पे वो याहूज को देखता है और हाइनम्स को देखता है यानी कि घोड़ों और इंसानों को देखता है वहां पे याहूज जो है वो सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन को और जो कि हम खुद हैं यानी कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं वो जो है गुलिवर आपको बताएगा सिंबल टू है द वे स्टॉर्म द स्टॉर्म टेक्स हिम डाउन व्हेन ही इज ट्रैवलिंग सिंबलाइज द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ अभी हमने स्टॉर्म मूवी के स्टार्ट में देखा था वो क्या है वो सिंबलाइज करती है हार्डशिप्स ऑफ लाइफ को सिंबल थ्री है द लिलीपुटियंस रिप्रेजेंट द स्मॉल माइंडेडनेस ऑफ ह्यूमन काइंड और जो लिलीपुटियंस हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बोने थे तो वो इंसान की स्मॉल माइंडेडनेस को शो करते हैं कि एक एम्पायर होने के बावजूद उनकी सोच कितनी छोटी है एंड हाउ ट्राइवियल वी आर और हम कितनी फजूलियात में पड़े हुए हैं यानरा सेटिंग एंड मूड इसको जनर नहीं पढ़ेंगे इसको यानरा पढ़ते हैं यानरा सेटिंग एंड मूड यानरा इसका है गुलिवर्स ट्रेवल्स इन एन ऑब्वियस सटायर पीस सेटिंग इसकी है द सेटिंग ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल इज मेनली इन इंग्लैंड बट ऑल्सो इन द पिक्चर्स countries of Lilliput, Brobdingnag, Blefuscu, Laputa and country of Farnham's. But ये उसकी चार settings, यानी कि कहाँ कहाँ settings से मुराद है कि कौन सी location के ऊपर Gulliver's Travels जो है वो मतलब कौन कौन सी ऐसी locations हैं places कौन सी थी कहाँ पे ये लिखी गई यानी कि या किसके बारे में लिखी गई basically ये England में है लेकिन fictitious countries कौन कौन से हैं सटायर है इंग्लैंड की लाइफ के ऊपर लेकिन फिक्टिशियस कंट्रीज जो हैं वो थे लिलीपुट जो अभी आपने लिलीपुटियंस की मूवी देखी फिर ब्रॉबडिंगनाग ये भी हम अभी पढ़ेंगे ब्लिफेस्को भी हम पढ़ेंगे लेपुटा एंड द कंट्री ऑफ हाइनम्स ये सब अभी हम पढ़ेंगे ये लोकेशंस हैं इन द पास्ट ड्यूरिंग 18th century में हमने रेप ऑफ द लॉक के बारे में भी पढ़ा था ये भी 18th century और सटायर है इंग्लैंड के ऊपर Mood जो है, the mood is adventurous, emotionally affecting, and also I think ignorant at the same time. Mood जो है adventurous है, emotionally affecting है और जो है ignorant भी है. Themes है इसकी the limit of human knowledge, इंसान के knowledge की limit. पढ़ते हैं बड़ी बड़ी चीजें हैं. अमल जो है, अमल से बेघर हुआ इंसान बना के तकदीर का बहाना. पढ़ लेते हैं एंड में कहते हैं अभी भी किस्मत में ही नहीं था और लिमिट्स हमारी जो है हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल नहीं है ये तो आपको लिलीपुटियन से ही पता चल गया होगा पावर मे बी ग्रेट बट चूजिंग इट फॉर व्हाट्स राइट इज व्हाट इज ट्रूली ग्रेट पावर शायद ग्रेट हो लेकिन उसका इस्तेमाल अगर सही हो तो वो ट्रूली ग्रेट होगी ठीक है इधर एक कोट लिखिएगा पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली ये कहानी है पार की ठीक है पावर की है तो उस पार के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसान को करप्ट करती है इंसान का नॉलेज कितना लिमिटेड है उसकी सोच कितनी महदूद है या लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज की बात नहीं आ रही इंसान की महदूद सोच की बात आ रही है नॉलेज तो बहुत ज्यादा मतलब वाइड एक चीज है बट और कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल नहीं होगी कैरेक्टर्स देख लेते हैं गुलिवर्स में क्या थे सबसे पहले तो गुलिवर है जो कि नैरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी है प्रोटैगनिस्ट किसे कहते हैं हीरो ऑफ द स्टोरी को He is intelligent and well-educated. His perceptions are naive and gullible. He has virtually no emotional life. Virtually, अगर देखा जाए तो उसकी कोई emotional life नहीं है. Or at least no awareness of it. और ना ही उसकी कोई awareness है. And his comments are strictly factual. और उसके जो comments हैं वो strictly factual हैं. Mary Burton Gulliver, Gulliver's wife, ठीक है? Who's perfunctorily mentioned in the first paragraph of the Gulliver. उसकी बीवी के बारे में शुरू में ही हम पढ़ते हैं ट्रेवल्स डेमोंस्ट्रेट हाउ अनसेंटिमेंटल एंड अनइमोशनल गुलिवर इज
और ट्रेवल्स जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि गुलिवर कितना अनसेंटिमेंटल और अनइमोशनल है, यानी कि इतने लोग उसको जो जैसे कहता वो वैसे करता ही चला जाता है. अदर कैरेक्टर्स में लिलीपुट में हमने क्या देखा था, द एम्पायर द रूलर ऑफ लिलीपुट, लाइक ऑल लिलीपुटियंस हिज पावर एंड मेजेस्टी इम्प्रेस गुलिवर डीपली. उसकी पावर और मेजेस्टी जो है वो गुलिवर को डीपली इम्प्रेस करती है. हम भी लोगों के स्टेटस से इम्प्रेस होते यही वहां पर पावर और मेजेस्टी दिखाया. तो गुलिवर हालांकि खुद इतना बड़ा जाइंट होता है और वो एक लिलीपुट जो कि एक छोटा सा बोना होता है उसकी पावर और मेजेस्टी से इम्प्रेस हो जाता है. बट टू अस ही अपीयर्स बोथ लॉफेबल एंड सिनिस्टर. लेकिन हमारे लिए वो बोथ लॉफेबल भी था और सिनिस्टर भी था. द फार्मर गुलिवर्स फर्स्ट मास्टर इज ड्रॉपडिंग नाग. ठीक है, वो जो उसका सेकेंड वॉयज होता है वो ड्रॉपडिंग नाग में होता है जहाँ पे गुलिवर खुद छोटा बोना होता है और बाकी सारे बड़े बड़े होते हैं. और फिर हम देखते हैं कि जब इंसान के पास पार नहीं होती, जब इंसान तो उसको किस तरीके से जो उसके मास्टर्स होते हैं वो एक खिलौना बना लेते हैं. और जब तक जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मतलब हमें कहा जाता था, मतलब स्पेशली जब हम बच्चे थे कि इवन जब शादी भी हुई तो मेरे अब्बू कहा करते थे कि किसी नु चम नहीं चाहिदा, हर किसी नु कम चाहिदा. ठीक है, यानी कि इंसान की आउटलुक किसी को नहीं जरूरत होती, हर इंसान काम का भूखा होता है. तो जो काम करता है ना उसके पीछे सारे भागते हैं. तो हर किसी को काम चाहिए होता है, किसी को आपका मतलब आपकी अपीयरेंसेस या आपकी लुक्स या वो चीज नहीं चाहिए होती. तो वो हम देखते हैं, लेकिन इस चीज को बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. हम लोग इस चीज को बहुत नेगेटिव भी ले लेते हैं. देखिए, एक माँ के चार बच्चे हैं ना, उसमें माँ सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है. इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. एक माँ सबसे ज्यादा अपने किस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो हर वक्त अपने आप को संवारता रहता है या जो सबसे ज्यादा खिदमत करता है, जो सबसे ज्यादा खिदमत करता है, ऐसे ही है. सो वो जो अब्बू बात करते थे अक्सर कि हर किसी नु चम नहीं चाहिदा ते हर किसी नु कम चाहिदा, तो एक्चुअली वाकई ठीक है, हर इंसान काम का भूखा होता है. या वो जो है ना, ये जो फार्मर वाला है ना कि ये गुलिवर जो है वो ब्रॉडिंग नाग में जाता है, वो छोटा सा बोना होता है और फार्मर के पास जाता है. जब तक वो बेचारा काम करता रहता है तब तक उसका फार्मर उसको इस्तेमाल करता रहता है. और जब वो काम यानी कि जब तक एक बकरी जो है वो बच्चे देती रहती है आप उसको अपने पास रखते हैं, और जब वो बेकार हो जाती है बूढ़ी होती है तो या तो आप उसको हलाल करके खा जाते हैं या आप उसको बेच देते हैं. सिंपल. तो ये वो वाली कहानी आप यहाँ पे देखेंगे. ग्लम डेल्स फार्मर्स 9 years old डॉटर हु इज 40 feet टॉल. ठीक है, और एक उसकी फार्मर की बेटी थी जो कि 9 years old डॉटर थी जो कि 40 feet टॉल थी. द क्वीन ऑफ ब्रॉडिंग नाग हु इज सो डिलाइटेड बाय गुलिवर्स ब्यूटी एंड चार्म दैट शी एग्रीज टू बाय हिम फ्रॉम द फार्मर 4,000 pieces ऑफ गोल्ड. वो जो क्वीन जो होती है ब्रॉडिंग नाग की, वो उसको गुलिवर को उसकी ब्यूटी और चार्म की वजह से खरीदती है. यानी कि गुलिवर काम का तो नहीं रहता, लेकिन बहरहाल अक्सर लोग खूबसूरती और चार्म के भी भूखे होते हैं. तो उसको गुलिवर के अंदर ब्यूटी और चार्म रहती है, तो वो उसको 1,000 pieces ऑफ गोल्ड से खरीद लेती है. किंग द किंग ऑफ ब्रॉडिंग नाग हु इज इन कंट्रास्ट टू द एम्पायर ऑफ लिलीपुट. एक किंग भी होता है ब्रॉडिंग नाग में. पहले हम लिलीपुट की किंग और क्वीन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ब्रॉडिंग नाग की किंग और क्वीन के बारे में पढ़ते हैं. लॉर्ड मोनोडी लॉर्ड ऑफ लेगाडो कैपिटल ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड विनेट लेपुटा. लेपुटा इसका थर्ड वॉयज होता है, वहां पे हम पढ़ेंगे लॉर्ड ऑफ लेगाडो के बारे में. हु होस्ट गुलिवर एंड गिव्स हिम अ टूर ऑफ कंट्री ऑन गुलिवर्स थर्ड वॉयज. ये थर्ड वॉयज में हम जाके पढ़ेंगे लॉर्ड मोनोडी के बारे में. याहूस फोर्थ वॉयज में आएंगे. अनकैप्ड ह्यूमन लाइक बीस्ट हू लिव इन सर्विट्यूड टू द हाइनम्स. हाइनम्स जो है वो रैशनल हॉर्सेज हैं हू मेंटेन अ सिंपल. Gulliver's Hainam master who first discovers Gulliver's and takes him into his own home, Don Pedro de Mendes, the Portuguese captain who takes Gulliver back to Europe after he is forced to leave the land of Hainam. ये जो है पर्तगीज कैप्टन है जो कि आखिरी जो सफर होता है गुलिवर्स का उससे उसको वापस लेके आता है. अच्छा जी, फिर जो है ब्रॉबडिंग नेगियंस हैं जो कि गुलिवर के सेकंड जायंट्स हु गुलिवर मीट्स ऑन सेकंड वॉयज.
Lilliputians and Blespascodians and two races of miniature people whom Gulliver meet on his first voyage. Lilliputians और Blespascodians जो हैं उन्हीं से तो वो मिलता है first voyages में और वो किसको show कर रही होती हैं वो France और England को show कर रही होती हैं और इनके आपस की disputes को. Lilliputians absent-minded intellectuals, sorry, Laputans absent-minded intellectuals, बहुत ज़्यादा intellectuals होते हैं, अकलमंद दाना तो नहीं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, who live on the floating island of the Laputa, जो के floating island of Laputa में जो है वो रहते हैं, absent-minded intellectuals, यानी कि हमारे पास अकल तो बहुत है लेकिन हम absent-minded हैं. Richard Simpson, Gulliver's cousins, self-proclaimed intimate friend. Gulliver का cousin था, self-proclaimed intimate friend था. Jamie Bates, Abraham Pennell, William Pritchard, Slim Knob, the Lord of High Treasure of Lilliputans. फिर जी है Redsall, the Principal Secretary of Private Affairs in Lilliput. बट ये सारे जो है ये minor characters हैं, ये इनको जो है फिलहाल लीव कर दें, ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम फिर इस तरफ दोबारा आएंगे. प्लॉट इंशाल्लाह हम बेटा कल स्टार्ट करते हैं इसका. प्लॉट समरी अभी टाइम भी वैसे ही ओवर हो गया. प्लॉट समरी इंशाल्लाह हम कल पढ़ते हैं, आज इसका हमने एक छोटा सा ही एक कोशिश की थोड़ी सी.